सो कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन और कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन फाइनल बोलते ठीक है। सो जैसे कि पहले भी मैंने देखा था कि इंडेक्स उसके पहले देखा था लिंक ए कॉन्टिग्यूअस ठीक है। तो कॉन्टिग्यूअस मतलब क्या है, जब सपोज हम फाइल ए में हमें 3 ब्लॉक चाहिए हम इधर से मतलब आप जिस ब्लॉक को फर्स्ट यूज करोगे उसके बाद हमें टोटल ब्लॉक को यूज करना है आपका फाइल में जितना नीडेड है ठीक है। सपोज फाइल बी में 4 ब्लॉक चाहिए, ए लिया ए लिया ए लिया ए लिया ऐसे होता है। मतलब अब जो भी ब्लॉक को एलोकेट करोगे उसके बाद में सभी को एलोकेट करना होगा कंटिन्यूअसली ठीक है। तो आप शायद समझ गए, जैसे कि मैंने इसको एलोकेट किया इसके बाद मुझे इसको भी एलोकेट करना पड़ा, इसको भी जरूरी हुआ ठीक है। अगर और फाइल बी ए हुआ फाइल बी के लिए, ए हुआ ए के लिए, तो फाइल बी में क्या किया, मुझे 4 ब्लॉक चाहिए तो मैंने इधर से किया इधर इधर इधर, तो मुझे ये 4 ब्लॉक यूज करना था तो मैंने किया। मैं अगर चाहूँ तो इसको हटा के इसको यूज करूँ, ये नहीं कर सकता ठीक है, मुझे यही यूज करना है मतलब कंटिन्यूअसली ब्लॉक को हम यूज करेंगे, हम स्टार्ट कर सकते हैं कहीं पर भी बट हमें कंटिन्यूअसली ब्लॉक को यूज करना है। तो देखते हैं इसका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या है। इट इज़ वेरी इजी टू इम्प्लीमेंट। हाँ कंटिगुअस तो वेरी इजी होता है इम्प्लीमेंट में, टीवीए काई पर भी इम्प्लीमेंट कर देते हो तो उसके बाद कंटिगुअसली एलोकेशन होता है। नो वेस्ट मेमोरी फॉर पॉइंटर। हाँ कंटिगुअस में कोई पॉइंटर नहीं है, यह पर सिर्फ ये बोला गया है कि अगर आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अगर आप 4 से स्टार्ट करोगे तो इधर से मेमोरी एलोकेट करो ठीक है। शायद आपके सपोज आपके पास 5 ब्लॉक है तो आप 4 से स्टार्ट करोगे, 4 5 6 ए ब्लॉक को यूज करना होगा ठीक है, मतलब आपको कंटिन्यूसली यूज करना होगा, यही मेन कॉन्सेप्ट है, ये बहुत इजी है। डज नॉट हैव पॉइंटर। हाँ यहाँ पर पॉइंटर नहीं है तो ये भी एक एडवांटेज है, एंड पॉइंट नहीं है इजीली हमें मेमोरी भी वेस्ट नहीं करना होता है। अब देखते हैं इसका डिसएडवांटेज। इट इज एन डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। इट इज डायनामिक मेमोरी एलोकेशन एंड इट इज डिफिकल्ट टू एस्टिमेट द फाइल साइज। ये तो होना ही था ठीक है। जैसे कि यह पर हम क्या करें, कोई भी पॉइंटर नहीं है तो अगर हम फाइल ए के लिए 3 ब्लॉक को यूज हुआ देन फाइल बी के लिए इधर से स्टार्ट किया तो 4 ब्लॉक चाहिए इधर, अगर हमें फाइल सी चाहिए सी का साइज होगा 6 ब्लॉक पर हमें अवेलेबल है 5 ब्लॉक और 3 ब्लॉक, तो हम क्या करें, इसीलिए ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है ठीक है। तो हम फाइल सी को एलोकेट नहीं कर पाएंगे। तो जस्ट याद रखना है कि कंटिगुअस एलोकेशन कैसा होता है, जैसे कि अगर हमें इधर से स्टार्ट किया हमें 5 ब्लॉक यूज करना है तो इधर से टोटली 5 ब्लॉक को यूज करना होगा, अगर इधर से स्टार्ट किया तो हमें इधर से टोटल 5 ब्लॉक को यूज करना होगा ठीक है, तो ऐसे होता है। थैंक यू।